हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और ये सारे सामान हमारा तैयार है और ये स्कूटर बनाने जा रहे हैं। और स्कूटर के ये डिस्क ब्रेक लगेगा और यही मोटर 500 वाट का वाला ये मोटर लगेगा जो 48 वोल्ट से रन करता है। और इसके लिए स्पेशली इसके लिए घर में बनाया हुआ बैटरी है जो इस तरह से देख सकते हैं। और ये बैटरी को ये BMS लगने वाला है, आज लगाने जा रहे हैं। और लगा के उसके बाद इसका एक बॉक्स यहाँ तैयार होगा, इस बॉक्स के अंदर इसको रखा जाएगा और सारे सेफ्टी का ध्यान रख के जो है इसको बनाया गया है। और BMS लगा करके तभी इसको चलाया जाएगा। और ये देख सकते हैं ये हेडलाइट इसमें लगाने वाले हैं, यही हेडलाइट है इसमें लग जाएगा। और ये दोनों चक्का है और ये कंट्रोलर है। तो आइए चलते हैं, इसका BMS का कनेक्शन करते हैं। ये प्लस पॉइंट है, प्लस साइड है। और BMS का ये रेड वाला सारे समझ लीजिए 12 तार है, ये 12 तार है, सब प्लस है। तो फर्स्ट वाला इधर से, फर्स्ट वाला आप ले लीजिए प्लस में, एक प्लस हो गया। और दूसरे साइड वाला प्लस ये है। अब दूसरा वाला ले लीजिए, ये वाला, थोड़ा इसके हिसाब से इसको काट लीजिए। ये दूसरे वाला में कनेक्शन दे दीजिए। फिर तीसरा वाला ले लीजिए, ये तीसरे नंबर वाला है, फिर इधर आ जाएगा। ये तीसरे वाला, तीसरा हो गया। अब ये चौथा ले लीजिए, ये चौथा पॉजिटिव में कर दीजिए। ये आपका चौथा पॉजिटिव है। अब
चौथा पॉजिटिव हो गया। फिर इधर आ जाइए, अब पांचवा ले लीजिए, ये चार हो गया, ये पांचवा ले लीजिए, ये पांचवा पॉजिटिव है। ये पांचवा हो गया, फिर इधर आ जाइए, ये छठवा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये छठवा हो गया, तो ये छठवा पॉजिटिव है। ये छठवा हो गया, अब सातवा ले लीजिए, ये सातवा हो गया, इधर आ जाएगा, ये छठवा हो गया, फिर इसमें आएगा सातवा, अब आठवां लेना है, जल्दी 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 जल्दी, ये आठवां हो गया, तो ये सातवां था, अब आठवां इसमें है,
आठवा हो गया। अब नौवा लेना है, ये नौवा था, ये दसवा है, दसवा इधर आएगा, ये दसवा पॉजिटिव है। ये दसवा पॉजिटिव है, ये दसवा हो गया। थोड़ा सावधानी से, दसवा नहीं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, ये आठ नंबर, ये आठ नंबर, ये नौवा नंबर। अब दसवा लेना है आपको, तो दसवा ये रहा। ये दसवा पॉजिटिव है, ये नौवा था, इसमें दसवा आएगा। ये देख सकते हैं, ये दसवा है, ये दसवा पॉजिटिव था, ये दसवा पॉजिटिव है। अब ग्यारहवा लगाना है, तो ग्यारहवा है, ये इधर ग्यारहवा है, तो दोस्तों ये 11वां है, 11वां पॉजिटिव है। ये 9वां, ये 10वां, 11वां है। ग्यारहवा हो गया, ये बारहवा है, तो आप देख सकते हैं ये बारहवा पॉजिटिव है, ये बारहवा पॉजिटिव है। ये बारहवा है, और एक पॉजिटिव बचा है, ये लास्ट वाला। अब देख सकते हैं ये लास्ट पॉजिटिव बचा है, तो आप इसको दे दीजिए।
अब ये 12वां हो गया, अब एक बचा है, ये नेगेटिव बचा है, तो आपको ये नेगेटिव सीधा ये नेगेटिव ओपन नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये हो गया BMS का फुल कनेक्शन। तो दोस्तों ये देखिए BMS खोल लिए हैं, अब इसमें दो तार लगाना है। ये दो तार लगाना है, एक तार और लगाना है, तो दो तार पहले लगा लेते हैं। एक सी माइनस, एक पी माइनस है और एक बी माइनस है। तो इस तरह से एक तार ये लगा दिए, एक तार ये हो गया और एक तार यहाँ से निकालना है और एक तार यहाँ से लगाना है। तो ये तीनों तार हो गया है, अब जो है इसको लगा देना है। फिर इसको लगा के दबाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये पैक हो गया, तीन तार इसमें से निकल गया। ये तीन तार में से एक ये देख सकते हैं, ये B माइनस, B माइनस है ये वाला तार, तो ये सीधे बैटरी माइनस में चला जाएगा। ये इस तरह से यहाँ कनेक्शन देना है। और ये देख सकते हैं P माइनस एक है, P माइनस दिखाई दे रहा होगा, और ये C माइनस। तो ये C माइनस का मतलब हुआ कि ये चार्जिंग माइनस है। तो ये सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट है। अब देख सकते हैं इसमें दो तार निकला है, एक ब्लैक है, एक ब्लैक है, एक रेड है। तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो ये C माइनस का मतलब हुआ ये जो तार है ये आपका इसमें इसमें ये चार्जिंग माइनस है, ये चार्जिंग माइनस में चला जाएगा। ये चार्जिंग माइनस में यहाँ सोल्डिंग करना है। और एक बचा है,
ये पी माइनस है, ये पी माइनस है, तो ये चला जाएगा इसका देखिए ये दो तार है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये डिस्चार्जिंग नेगेटिव है और P माइनस का मतलब हुआ इसी में इसका कनेक्शन देना है। ये P माइनस है मतलब डिस्चार्जिंग माइनस है, बैटरी को डिस्चार्ज करेगा जब मोटर चलेगा, मोटर जब चलाया जाएगा तो ये डिस्चार्ज लेगा यहाँ से, तो डिस्चार्ज नेगेटिव ये हुआ, इसके साथ यहाँ लगा देना है। तो आइए इसको अब लगा देते हैं। तो पहले तो पहले ये चार्जिंग माइनस में लगा देते हैं, ये बैटरी माइनस लिखा है तो इसको यहां लगा देना है। अब देख सकते हैं इसको लगा दिए हैं और ये दोनों को अभी टेप लगा के रखा जाएगा और इसको अब यहां लगाया जा सकता है तो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी निकालना है एक नेगेटिव, मेन नेगेटिव या नेगेटिव यहां से निकाला जाएगा और एक पॉजिटिव इधर से निकाला जाएगा। तो ये मेन तार है, तो ये नेगेटिव कर दिए हैं, नेगेटिव का कनेक्शन दे दिया गया वीडियो ये का बैटरी का, और अब पॉजिटिव का एक और निकालना है। ये देख सकते हैं इधर का पॉजिटिव है तो यहां से या यहां से उनको निकाल देना है। और ये पॉजिटिव है तो दोस्तों अब इसको डीएमएस को इसमें लगाया जा सकता है। अब इसको यहां से बस ये हो गया, अब इसको बढ़िया। तो दोस्तों सारे असेंबल कर दिया गया है और अब इसको टेप से बिल्कुल ये कर देना है। और आइए चलते हैं इसका वोल्टेज थोड़ा चेक करा देते हैं।
तो दोस्तों ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो देखिए BMS लगने के बाद ये 49.1 बता रहा है, 49 से थोड़ा ऊपर है। तो अभी ये चार्ज अभी और होगा, और चार्ज होगा तो वो बैटरी BMS लगने के बाद वोल्टेज इतना बता रहा है। उम्मीद है कि BMS असेंबल करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और ये 48 वोल्ट और 16 एम्पीयर की बैटरी है, स्कूटर के लिए है। तो अभी इसको चार्ज करेंगे और देखेंगे इसका चार्जिंग करने में कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।